तारीख को। लेकिन शरद पवार जो देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, वह है ईवीएम को लेकर। जी हां, ईवीएम को लेकर, वोटिंग मशीन। जब आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो एक मशीन होती है और जिसको आपको वोट देना होता है, आप उसके सामने बटन दबाते हैं और आपका वोट पड़ जाता है। पहले बैलेट पेपर से वोट होता था और अब ईवीएम मशीन से वोट पड़ता है। ईवीएम मशीन पे कई तरीके के शक किए जा चुके हैं, कई तरीके की शिकायतें की जा चुकी हैं और लोगों ने यह भी कहा है कि ईवीएम जो है, इससे वोट जो है वो सही तरीके से नहीं पड़ता, इसको हैक किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जो ताजा विवाद है वो शरद पवार का है। शरद पवार ने कहा है, वो सातारा में थे महाराष्ट्र में, और वहां उन्होंने कहा है कि मैंने हैदराबाद और गुजरात में किसी ने मेरे सामने ईवीएम को रखा, जब उन्होंने मेरे सामने ईवीएम को रखा तो मैंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के सामने के वाले बटन को दबाया, और जब मैंने घड़ी चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबाया तो मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वोट कमल पर जाकर पड़ा। कमल यानी जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और उसके बाद कहा कि यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो शरद पवार जैसा वरिष्ठ नेता अगर यह कहता है कि उसने ईवीएम में बटन तो दबाया घड़ी का, वोट पड़ा कमल को यानी बीजेपी को, तो यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है, बहुत ही अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हालांकि शरद पवार ने उसके बाद यह भी कहा है कि हो सकता है उस ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है सारे ईवीएम में गड़बड़ी ना हो, लेकिन अगर शरद पवार के आंखों के सामने की यह बात है तो पिछले दिनों जो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और लगभग यह कहा जाता रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना सही नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है, इसको हैक किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो एक बार फिर शरद पवार के इस बयान के बाद वो सवाल फिर दोबारा खड़े हो गए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी शरद पवार ने जो बात कही है वो बिल्कुल नई बात नहीं है। आपको याद दिला दें कि 2017 में 2018 में इस तरीके की कई वारदातें या कई वाकये हुए हैं, और उन वाकयों में लोगों ने यही कहा है कि उन्होंने बटन तो किसी और पार्टी के लिए दबाया था लेकिन वोट पड़ गया बीजेपी को। और इसमें जो सबसे कुछ वाकये मैं आपको गिना देता हूं, जैसे मई 2018 में कर्नाटक में वहां के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने एक कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि बटन तो कांग्रेस के लिए दबाया गया था लेकिन वोट जा पड़ा भारतीय जनता पार्टी को यानी कमल को, और इस बात को चुनाव आयोग के सामने मामला आया। चुनाव आयोग ने मशीन तो बदल दी लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि दरअसल ये चुनाव आयोग की छवि को खराब करने की कोशिश है। लेकिन यह सिर्फ कलप्पा का मामला नहीं था, मेरठ में नवंबर 2017 में, उस वक्त वहां लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी। वो खबर क्या है? खबर यह है कि मेरठ के वार्ड नंबर 89 यानी 89 में वहां पे ईवीएम में गड़बड़ी की बात आई, यानी बटन कोई भी दबाया गया, वोट पड़ा कमल को। राज्य चुनाव आयुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को जवाब देना पड़ा। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल साहब ने यह माना कि ईवीएम में गड़बड़ी है और फिर ईवीएम को बदला भी गया। इसके बाद ऐसी ही शिकायत कानपुर से भी आई। कानपुर में भी क्या हुआ कि भाई बटन कहीं और दबा, लगा कमल का निशान, और वहां इन सब मामलों की जांच हुई। जांच होने के बाद कहा गया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी थी, उसको ठीक कर लिया गया था। इसके बाद राजकोट का भी मामला है, गुजरात में 2017 का मामला है, 9 दिसंबर का वाकया है। वहां के द्वारका बूथ 168 में कांग्रेस पर वोट डाला गया, यानी पंजा पर वोट डाला गया, वोट जाके पड़ा कमल पे यानी भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे जो चौंकाने वाला मामला था, जिसका वीडियो भी लोगों के सामने उपलब्ध था, वो मामला था मध्य प्रदेश के 2017 अप्रैल में भिंड का मामला। और ये मामला कुछ पत्रकारों के सामने हुआ ये कि जो मशीन थी उसका डेमो परफॉर्मेंस हो रहा था, और उस डेमो परफॉर्मेंस में जो वोट डालने की प्रक्रिया में वोट जो बटन दबाया गया
तो कमल की पर्ची निकली, माने किसी और की बटन दबाया गया, वीवीपैट से जो कमल की पर्ची थी वो पर्ची कमल की निकली। और मजेदार बात यह है कि वहां पे जो मुख्य चुनाव अधिकारी थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह, उन्होंने पत्रकार चूंकि सामने थे, उन्होंने कहा अगर आप लोग इसको कल छापोगे तो थाने में बैठे मिलोगे। लोगों ने उस वक्त इस बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगले दिन जब यह वीडियो वायरल हो गया, जब लोगों ने खुद देखा कि बटन कहीं और दब रहा, पर्ची किसी और की निकल रही है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस तरीके की बात कर रही हैं, तो काफी बड़ा टंटा खड़ा हो गया और अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सफाई देनी पड़ी और उनको कहना पड़ा मैं तो मजाक में यह बात कह रही थी। लेकिन मैंने आपके सामने 5-7 उदाहरण दिए, तो जो बात शरद पवार ने कही थी कि मैंने हैदराबाद और गुजरात में जो ईवीएम मशीन मेरे सामने लाई गई थी, मैंने घड़ी का बटन दबाया और वोट पड़ गया कमल के ऊपर, यह बात मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, अपनी आंखों से देखा है, तो यह वाकया अकेले शरद पवार का नहीं था। यह वाकया कर्नाटक के ब्रजेश कलप्पा ने भी इस बारे में जानकारी दी, मेरठ में भी इस तरीके से वाकया हुआ, कानपुर में इसी तरीके से वाकया हुआ, गुजरात के राजकोट में इस तरीके का वाकया हुआ, मध्य प्रदेश के भिंड में इस तरीके से वाकया हुआ। सवाल यह उठता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम गड़बड़ी होती है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बीजेपी का बटन दबाया जाए और वोट कांग्रेस को पड़े, बीजेपी का बटन दबाया जाए वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल पे पड़े, या साइकिल का बटन दबाया जाए और वोट हाथी को पड़े, या हाथी का बटन दबाया जाए और वोट पंजा यानी कांग्रेस पार्टी को पड़े। ऐसा क्यों होता है कि हर बार जितनी बार भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, शिकायत एक ही थी, बटन किसी भी पार्टी का दबाइए, कोई भी चुनाव चिन्ह का दबाइए, अंत में जो होता है वो जाता है बीजेपी को वोट, ऐसा क्यों? तो इसने कई सवाल खड़े किए। और आपको ध्यान होगा कि जब पंजाब के चुनाव हुए थे, पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बहुत मजबूती के साथ यह सवाल खड़ा किया था और उनकी पार्टी की तरफ से विधानसभा के पटल पर ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया गया था। अरविंद केजरीवाल का यह कहना था, उनका आरोप यह था कि ईवीएम जो मशीन है यह सुरक्षित नहीं है और यह हैक की जा सकती है और इसी वजह से चुनाव के नतीजे जो हैं वो उस तरीके से नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए। पहले तो उनकी बात को लोगों ने गंभीरता के साथ नहीं लिया, लेकिन बाद में कई राजनीतिक पार्टियों ने इस बारे में अपनी आवाज बुलंद की। मायावती ने इस बारे में आवाज बुलंद की, अखिलेश यादव ने इस बारे में अपनी आवाज बुलंद की, और अब हाल तक तो चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की। और आपको यह भी जानकारी दे दें, करीब 1-1.5 साल पहले कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त थी सोनिया गांधी, तो उनके नेतृत्व में 9 पार्टियों का एक दल राष्ट्रपति के साथ के पास गया था और उनको इस चिंता बताई थी कि ईवीएम की वजह से जो है वो हैक की जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है, छेड़छाड़ किया जा सकता है और इसमें गड़बड़ी है, लिहाजा इस पे गहरी चिंता की और गहरी सोच की जरूरत है। और अभी हाल में करीब 21 राजनीतिक दल जो हैं, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा था कि जो ये वीवीपैट है, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो सिर्फ एक विधानसभा के अंदर एक पोलिंग बूथ पे वो वीवीपैट का मिलान करेंगे, जो एक्चुअल वोट है उससे, तो एक विधानसभा में एक पोलिंग बूथ पर, तब जो 21 पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की और कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कम से कम 50% पोलिंग बूथ के वोटों का मिलान वीवीपैट से होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो हमें हमेशा शक रहेगा और अगर शक रहेगा तो लोकतंत्र जो है उस पर भी संदेह होगा कि जो पार्टी जीती है दरअसल वो ईमानदारी के साथ जीती है, निष्पक्षता के साथ जीती है। लेकिन वीवीपैट के सवाल को हम बताने के पहले आपको हम इसका थोड़ा इतिहास बता देते हैं कि वीवीपैट का मतलब क्या होता है। कि मशीन पे आप पहले बटन दबाते थे तो कोई कागज नहीं निकलता, अब क्या होता है कि जब आप मशीन पे बटन दबाते हैं तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे वहां पे एक बॉक्स होता है, वो मशीन से एक कागज का टुकड़ा निकलता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसका निशान वहां पे होता है, फिर वो डब्बे के अंदर गिर जाता है, आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। तो यह सवाल खड़ा हुआ जब ईवीएम पे, तो ईवीएम पे अरविंद केजरीवाल के पहले लालकृष्ण आडवाणी यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने 2009 में यह सवाल खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस पर बाकायदा किताब लिखी थी
और उन्होंने कहा था कि ईवीएम से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम से चुनाव को मनमाने तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 8 अक्टूबर 2013 को अपना फैसला सुनाया, 8 अक्टूबर 2013 को फैसला सुनाया कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि वीवीपैट ईवीएम में लगाए जाए, और उन्होंने यह भी कहा कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो वीवीपैट के साथ होगा, इसको गवर्नमेंट इंश्योर कराए। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इंडिस्पेंसिबल है, वीवीपैट इज इंडिस्पेंसिबल है, यानी अनिवार्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। लेकिन मैं आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 2017 तक सरकार यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फंड रिलीज नहीं किया गया। 3,173 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को इलेक्शन कमीशन को देना था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपना पैसा तो होता नहीं, तो इलेक्शन कमीशन को पैसा देना था और उस पैसे से वीवीपैट मशीन आनी थी। करीब 16,15,000 वीवीपैट मशीनें खरीद के वीवीपैट उसमें लगवाने थे। तो ये 3,073 करोड़ रुपए का मामला था। इलेक्शन कमीशन को 11 रिमाइंडर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखना पड़ा। जी हां, 11 रिमाइंडर, मामूली बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 11 रिमाइंडर लिखे और कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया है, अगर हम 2019 से वीवीपैट मशीनों पे नहीं लगा पाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और मशीनों में वीवीपैट लगाने के लिए कम से कम 30 महीने का वक्त चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुका है, आप प्लीज फंड रिलीज करिए, प्लीज फंड रिलीज करिए, प्लीज फंड रिलीज करिए। 11 रिमाइंडर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने की नींद टूटी और उन्होंने फंड रिलीज किया, और इलेक्शन कमीशन ने तब कहा कि 30 महीना जो था हम अब किसी तरीके से 18 महीने के अंदर ही वीवीपैट लगा देंगे। तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो प्रधानमंत्री कार्यालय को 11 रिमाइंडर देने की जरूरत क्या थी? 3,173 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, उसको वो आसानी से रिलीज कर देते। अगर वो रिलीज हो जाता तो समय रहते वीवीपैट मशीनों में लग जाता और कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने इतना वक्त क्यों लिया, समय पे मशीन के लिए पैसे रिलीज क्यों नहीं किए। तो जब वीवीपैट का मामला आ गया, काफी हंगामा हुआ, तो हंगामा होने के बाद अब यह कहा गया कि भाई चलिए हम वीवीपैट का मिलान, पहले यह था कि मशीनें थी, वीवीपैट लगा हुआ था, जब कोई सवाल खड़ा करता तो हम वीवीपैट से वोटों का मिलान कर लेते। लेकिन उसके लिए क्या था, उसके लिए आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता और अदालत अगर आदेश करती तभी वीवीपैट से मिलान होता। तो यह मसला जो है वो जब काफी विवाद हो गया तो यह तय हुआ कि एक असेंबली में एक पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का मिलान होगा। राजनीतिक पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई आप एक की जगह 5 कर दीजिए। चुनाव आयोग उसके लिए तैयार हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 से क्या होगा, 50% जो पोलिंग बूथ है वहां पर कम से कम वोटों का मिलान होगा तब हम संतुष्ट होंगे कि ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और 21 राजनीतिक दलों का जो पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया। लेकिन वहां पे जो हैरानी वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो दलील थी वो गले के नीचे नहीं उतरती। इलेक्शन कमीशन की दलील ये थी कि हम इसलिए 50% वीवीपैट नहीं कर सकते, मिलान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे काउंटिंग करने में 6 दिन का वक्त लगेगा। अब एक बात आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को बैलेट पेपर का अनुभव है, मुझे तो है इस बात का अनुभव, मैंने तो चुनाव लाइव भी किया उस दौरान, कि जब बैलेट पेपर से चुनाव मतगणना होती थी, मतों की गणना होती थी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे लगते थे और सुबह अगर वोटों की गिनती का काम शुरू होता तो शाम 5-6-7 बजे तक आपको बुनियादी ट्रेंड मिल जाते थे और लगने लगता था कौन पार्टी जीत गई।
और सारे नतीजे आने में 48 से 72 घंटे का वक्त लगता था। तो बैलेट पेपर की गिनती में जो है वो तो 72 घंटे का समय लगता है, और अब जब मशीन है तो सिर्फ 50% अगर वीवीपैट से अगर हम मिलान कर दें तो वो कह रहे 6 दिन लगेगा। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर बैलेट पेपर से 72 घंटे में हो सकता है तो वीवीपैट के मिलान में 6 दिन क्यों लगने चाहिए और किस लिए लगने चाहिए। और दूसरी एक बात और बड़ी मजेदार है और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपने वीवीपैट के बारे में कंप्लेन किया कि भाई मैंने वोट तो जो है वो कमल को दिया था और वीवीपैट में दिखाई पड़ रहा है कि पंजे को वोट चला गया, तो मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं। अब मान लीजिए आपने शिकायत कर दी और शिकायत करने के बाद अगर आपको देखने में गलती हो गई या कुछ और कारण हो गया कि आपको ठीक से अंदाजा नहीं लगा और आपकी कंप्लेन जो है वो गलत साबित हो गई, अगर आपकी कंप्लेन गलत साबित हो गई तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कहता है। और कानून क्या कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स की धारा 49 है उसके हिसाब से आपको सजा मिल सकती है, और यह सजा सीपीसी की आईपीसी की धारा यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 177 के तहत फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना देने के एवज में आपको 6 महीने की सजा या 1,000 रुपए या दोनों का प्रावधान है। तो अब आप यह बताइए, अगर मान लीजिए आपने इतनी सी गलती की कि आपने कहा कि भाई वीवीपैट का मिलान कर लीजिए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, और आपकी कंप्लेन अगर गलत साबित हो गई खुदा ना खास्ता तो आप तो जेल चले जाएंगे 6 महीने के लिए। तो इसको ये क्या वजह है भाई, अगर मुझे लगता है कि मेरा वोट गलत पड़ा है या गलत जा रहा है या मशीन में गड़बड़ी है तो मेरा अधिकार होना चाहिए उसे कंप्लेन करने के लिए। तो जब इस तरीके का कानून होगा तो जाहिर सी बात है कोई आदमी जो है वो कंप्लेन नहीं करेगा। तो एक तरीके से वीवीपैट मशीन में आपने लगा भी दिया और उसके बाद आप लोगों को हैरस कर रहे हैं कि कोई आदमी जो है वो इसके मिलान की बात ना करे, कंप्लेन की बात ना करे, शिकायत की बात ना करे। और बड़ी हैरानी हुई, पिछले दिनों एक डीजीपी महोदय थे जो पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं राज्य के अंदर, उन्होंने कहा कि मैंने भी मारे डर के कंप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कंप्लेन गलत होगी तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। तो अब यह मामला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि वीवीपैट के बारे में अगर गलत सूचना भी हो जाए गलती से तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी उसको सूचना अगर गलत होने के बाद भी किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ रहा हूं कि किस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या दुनिया के किन किन देशों के अंदर ईवीएम नहीं हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जैसे अमेरिका के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जैसे जर्मनी के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, कुछ बहुत सारे पश्चिम के देश हैं जहां बैलेट पेपर से चुनाव, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा सा सवाल यह है और वो स्पष्ट है कि अगर शरद पवार जैसा आदमी ये कहता है कि मैंने बटन तो दबाया था घड़ी का, वोट पड़ गया कमल पे, तो ये अत्यंत गंभीर बात है और ये इंश्योर कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो लोगों के मन में जो बढ़ती हुई भ्रांतियां हैं, जो संदेह है, जो शक है, वो खत्म हो। क्योंकि अगर लोगों के मन में ये अनिश्चितता रहेगी तो लोकतंत्र के अंदर कल अगर कोई जीत भी जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि ईवीएम में मैनिपुलेट करके जो है ये जीत हासिल हुई है। तो ये बात गंभीर है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको गंभीरता के साथ नहीं ले रहा है और न जाने क्यों मन में काफी संदेह लोगों के मन में धीरे धीरे पैदा होने लगे हैं। और अगर 21 राजनीतिक पार्टियां को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, राष्ट्रपति से मुलाकात करनी पड़ती है, और हर बार जो शिकायतें आ रही है अगर वो ये होती हैं कि बटन कोई भी दबाओ और बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ता है, तो ये बीजेपी की साख को भी अनावश्यक